गजब गजब गजब, विश्वास ही नहीं हो रहा है। देखिए, जो पैरों से विकलांग है उसके बाद चारों पैरों से विकलांग है उसके बाद भी गजब का बैलेंसिंग है। चारों ये जो शीशे का जो बोतल आप देख रहे हैं, ये शीशे के बोतल पे गजब का बैलेंसिंग। लाठी से चल रहे थे पहले, मैं मेरा मम्मी लेके गई थी बरौली में, 2 साल तक इलाज हुआ, डॉक्टर बोला नहीं है। देखिए दोनों पैर ऊपर करके, और ये गजब का कितना हाइट होगा, लगभग 4 से 5 फीट हाइट है, और इस पे ये एक तरीके का पुशअप जो कहा जाए, पूरा दोनों पैर ऊपर करके और बैलेंस बनाए हुए हैं। भाई देखिए कैसे पुशअप कर रहे हैं, एकदम शानदार, पूरा पैर ऊपर उठाए हुए हैं और नीचे पूरा जबरदस्त तरीके से। अरे बाल, एक बोतल पे देखिए कैसे मार रहे हैं, एक बोतल पे कह रहे हैं मारने के लिए, गिरेंगे तो नहीं। नहीं, देखिए बैलेंस बना लिया। अरे गजब गजब, दिखाइए। तो हमने बोल दिया, पहले जवाब दे दिया था कि तुम्हारा इलाज नहीं हो पाएगा। हाँ, हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, आप लेके जाइए। हमारा मम्मी बोल दिया, हमारा मम्मी से कि आप लेके जाइए अपना लड़का का, इलाज नहीं हो पाएगा पोलिया का। अच्छा, तो हम ठान लिया, अंदर जुनून जगाया कि हम एक्सरसाइज करेंगे तो चल पाएंगे। एक्सरसाइज हम शुरू कर दिया 5 साल कंट्री तक। अच्छा, रोज 10 मिनट फिर मैं आया, उसको देखे, उसके बाद जुनून जगा और स्टंट भी करने लगा। स्टंट करने लगा, 1 साल में हार गया है और बच्चे को अपने गर्दन पे बैठा लिए हैं, और कैसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि हवा में कैसे सब कुछ काम कर रहे हैं, एकदम हवा से बात कर रहे हैं, और पूरी तरीके से अपने शरीर पे बच्चे को भी वजन दिए हुए हैं, अपने शरीर को भी बैलेंसिंग किए हुए हैं, और जबरदस्त तरीके से स्टंट करके आए हुए हैं। ये हमारे साथ बिहार के, अभी हम बिहार में हैं, और बिहार से एक ऐसे लाल को दिखाने वाले हैं जो कि कर दिया है कमाल, पूरे देश दुनिया में आज वायरल है, और इनको देखने के लिए लोग तरस रहे हैं, सर्च मार के देख रहे हैं कि स्टंटमैन है कौन। विकलांग है पैरों से, और दोनों पैरों से, इनके पैरों में पोलियो मार दिया था, उस समय पे ये पैरों से चल नहीं पाते थे, बेड रेस्ट पे थे काफ़ी दिनों, कई सालों तक बेड रेस्ट पे थे, यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, हाथ पाँव खड़ा कर लिया था कि इनको बचाया नहीं जा सकता, और इनको जिस हाल पे हैं छोड़ दिया जाए, यानी कि मौत के मुँह में ढकेल दिया गया था। मौत के मुंह से बच के आए हुए हैं, ये हमारे साथ बिहार के लाल हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम है सत्येंद्र शर्मा, स्टंटमैन, मिर्गस से नाम जाना जाता है। अच्छा, हाँ, तो सत्येंद्र शर्मा जी, ये बताइए, आप स्टंट करते हैं, इतने खतरनाक स्टंट करते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता है? देखिए, अगर हमको डर लगता था तो हम आगे नहीं बढ़ते। दुनिया में बहुत प्रकार के विकलांग है, अपने आप से आप आहिज मत समझिए, विकलांग बहुत तरह का है। अपना अंदर जुनून जगाइए कि हम बैसाखी सहारे छोड़ दें, चले रोज प्रेस्टी करें। एक समय हुआ करता था, लोग बता रहे थे अभी कि आप बैसाखी से चला करते थे। पहले तो हम 5 साल तक लाठी से चल रहे थे पहले। हाँ, मैं मेरा मम्मी लेके गई थी बरौली में, 2 साल तक इलाज हुआ, डॉक्टर बोला था तुम्हारा इलाज नहीं होगा। पैर दिखा दीजिए पैरों को इनके, कि ये जो दोनों पैर से पूरी तरीके से विकलांग है, पैर कैसे मुड़ा हुआ है, और ये जो है पैर से पूरा तरीके से विकलांग, हाथ से पूरे तरीके से विकलांग थे, पूरा शरीर इनके अब विकलांग हो गया था। फिर कैसे हुआ कि आप आज इस अवस्था में खड़े हैं और स्टंट मार रहे हैं, पूरा दिखा रहे हैं देश दुनिया को, आप चैलेंज कर दिए पूरे विज्ञान को कि हाँ पोलियो को भी टक्कर दे करके वापस होया जा सकता है। डॉक्टर तो हमको बोल दिया, पहले जवाब दे दिया था कि तुम्हारा इलाज नहीं हो पाएगा। हाँ, हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, आप लेके जाइए। हमारा मम्मी बोल दिया, हमारा मम्मी से कि आप लेके जाइए अपना लड़का का, इलाज नहीं हो पाएगा पोलिया का। अच्छा, तो हम ठान लिया, अंदर जुनून जगाया कि हम एक्सरसाइज करेंगे तो चल पाएंगे। तो एक्सरसाइज हम शुरू कर दिया 5 साल कंटिन्यू तक। अच्छा, रोज 10 मिनट 20 मिनट करते हैं कंटिन्यूटी। 5 साल आपने एक्सरसाइज किया और स्टंट करने लगा, शरीर में ताकत आने लगा। अच्छा, और उसके बाद मैं विधु जमाल कमांडो फिल्म आया था। अच्छा, उनको हम देख कर सीख रहे थे स्टंट, हम उनको उन्हीं जैसा हमको करना है जरूर। अच्छा, कमांडो फिल्म आया, उसको देखे, उसके बाद जुनून जगा और स्टंट भी करने लगा। स्टंट करने लगा, 1 साल में स्टंट सीखे हैं। स्टंट बहुत, मेरे पास बहुत प्रकार का स्टंट है। थोड़ा एक दो स्टंट करके हमारे दर्शकों को दिखाइए, कौन सा? हाँ, मारिए। ये चारों बोतल है और ये चारों बोतल पे स्टंट करेंगे। अच्छा, ऐसा ना हो कि आपको चोट लग जाए, बोतल पे स्टंट जो करते हैं चोट तो नहीं लगेगा? नहीं, चोट नहीं लगेगा। ये चारों बोतल को भाई रख रहे हैं और इस पे स्टंट करेंगे, बोल रहे हैं चोट नहीं लगेगा। इनका कॉन्फिडेंस देखिए जरा, कि पैरों से विकलांग है और इनके शरीर में एक समय हुआ करता था, अभी ये करेंगे और हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए जो है चारों पर इसको सजा रहे हैं, बोतल को बैलेंसिंग करेंगे इस पर, और स्टंट भी करेंगे, करके दिखाइए। गजब गजब गजब, विश्वास ही नहीं हो रहा है। देखिए जो पैरों से विकलांग है उसके बाद
चारों पैरों से विकलांग है, उसके बाद भी गजब का बैलेंसिंग है। चारों ये जो शीशे का जो बटल आप देख रहे हैं, ये शीशे के बटल पे गजब का बैलेंसिंग देखने को मिल रहा है और गजब का कर रहे हैं। यही अदाएं हैं इनकी जो कि अभी पूरे भारत में और विश्व तक इनका इनको लोग देख रहे हैं, सर्च करके देख रहे हैं। अच्छा, तीन बोतल पे मारेंगे, अभी देखिए तीन बोतल पे मारेंगे, गजब का स्टंट है भाई। अच्छा, तीन बोतल पे मारेंगे, तीन बोतल पे भी बैलेंसिंग करेंगे जबरदस्त करके दिखाई। कहीं ऐसा तो नहीं होगा इस पे गिरेंगे ना तीन पे? नहीं नहीं गिरेंगे। कीजिए, अरे विश्वास ही नहीं हो रहा है। देखिए देखिए तीन बोतल पे और तीन बोतल पे अभी बैलेंस बनाए हुए हैं, गजब का। देखिए पुशअप मार रहे हैं, दिखा दीजिए। और तीन बोतल पे, जो कि लोग ऐसे नॉर्मली पुशअप नहीं मार पाते हैं, और ये बोतल पे पुशअप मार रहे हैं, विश्वास ही नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी तीन बोतल पे आपने कर दिया, दो बोतल मारेंगे, दो बोतल पे मारेंगे, दो बोतल मारेंगे। अच्छा, दो बोतल पर, दो बोतल पे भी मार देंगे। देखिए दो बोतल पे भी मार रहे हैं, कैसे, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा, दो बोतल पे मार देंगे। अब देखिए मारते हैं, दिखाइए दिखाइए, थोड़ा नजदीक से दिखाइए। दो बोतल पे मार रहे हैं, दो बोतल पे मार रहे हैं, गजब का बैलेंस है भाई, गजब का बैलेंस है। अरे विश्वास ही नहीं हो रहा, देखिए आप लोग देखिए कि कैसे दो बोतल पे ये गजब का बैलेंस बनाए हुए हैं। और बैलेंस इनके जज्बे को सलाम है भैया, कि इतना जज्बा एक विकलांग होने के बाद भी। एक बोतल पे, हाँ एक बोतल मारेंगे। अरे बाल, एक बोतल पे देखिए कैसे मार रहे हैं, एक बोतल पे कर रहे हैं मारने के लिए। गिरेंगे तो नहीं? नहीं। देखिए बैलेंस बना लिया, अरे गजब गजब, दिखाइए 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 दिखाइए, नजदीक से दिखाइए। एक बोतल पे मारा इन्होंने पुशअप, और इनका जो जज्बा है, इनका जो ये अंदर आपके कैसे इतना शक्तियाँ आती हैं? देखिए शक्तियाँ आता है, मैं रोज प्रेस्टी करता हूँ। हाँ। रोज एक्सरसाइज करता हूँ, 5 मिनट 10 मिनट। हाँ। हम तो एक्सरसाइज करते हैं 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा करते हैं। कोई करे स्टंट, मैंने जो कोई भी 10 मिनट स्टंट मारते हैं आप, कितना? हमारे पास बहुत प्रकार के स्टंट है। आप देखिए समय लगेगा, पूरा समय लग जाएगा, शाम तक लग जाएगा। अरे बाले बाले, मतलब 5-6 घंटा स्टंट मारते रहेंगे, थकेंगे नहीं? नहीं थकेंगे नहीं। देखिए अभी हम लोग आए, इसके पहले स्टंट कर रहे थे, अभी हम लोग वीडियो बनाना जब चालू किया तो ये स्टंट हमारे कैमरे पे अभी कर रहे हैं, इसके पहले से स्टंट कर रहे थे। हाँ, कौन सा स्टंट है ये? बिदु जमाल का है। अच्छा, बिदु जमाल का। ये बिदु जमाल को देख करके इंस्पायर हुए और वहाँ से इन्होंने, देखिए कैसे कैसे कर रहे हैं, गजब इमेजिंग यार, गजब, विश्वास ही नहीं है। देखिए दोनों पैर ऊपर, दोनों पैर ऊपर करके, और ये गजब का कितना हाइट होगा, लगभग 4 से 5 फीट हाइट है, और इस पे ये एक तरीके का पुशअप जो कहा जाए, पूरा दोनों पैर ऊपर करके और मार रहे हैं, ये विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो ये सब करते हैं, थकते नहीं हैं? थकते तो जरूर है, थोड़ा आप आए हैं तो वीडियो थोड़ा हम बना लें, अभी थोड़ा अथी नहीं हो जाए, बुरा नहीं लगे। अभी तो पैर को सटाएंगे इस पर। अच्छा, हाँ। करके दिखाइए, करके दिखाइए, देखिए पैर को कैसे माथे तक सटा रहे हैं, कैसा गजब का इमेजिंग, एकदम विश्वास ही नहीं हो रहा है। दिखाइए दिखाइए, नज़दीक से दिखाइए, थोड़ा सा करके आने दीजिए। आप इतना तरीके का स्टंट कर रहे हैं, ये सारा स्टंट जो है ये खतरनाक है कहीं ना कहीं। अगर जो कोई ऐसा नया आदमी अगर जो स्टंट करता करना चाहे, हाँ। तो क्या उन लोगों के लिए सजेशन करना चाहेंगे? क्या है ना, ये मेरे पास हम फ्री में सिखाते हैं लड़के लोग, स्टंट। अच्छा। स्टंट हो गया, जिम हो गया, किसका पेट अंदर कैसा होगा, बहुत लोग प्रकार के कमेंट करते हैं। आपका जो जा रहा है कितना पैक है? 8 पैक है। 8 पैक है, थोड़ा वो दिखा दीजिए। अभी 8 पैक है इनका, पैक भी दिखाएंगे, देखिए गजब का, थोड़ा सा नज़दीक से दिखाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 4 और 4 इधर है, 1, 2, 3, 4, 8 पैक है ये, टोटल 8 पैक है, 4 और 4 8 पैक। और इनका 8 पैक दिखा दीजिए, ये 6 पैक लोग बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, 8 पैक बना के तैयार कर दिए हैं। ये जो अभी बच्चे को बैठा करके स्टंट करने वाले थे, कौन सा स्टंट है वो? ये तो आप बैठाएंगे गर्दन पर। अच्छा, हम स्ट्रेट होंगे। अच्छा, सीधा हो जाएंगे गर्दन पर बैठा के। बैठो बाबू, देखिए ये देखिए कैसा हवा में लहराता हुआ, एकदम इनका शरीर पूरा हवा में लहर गया है, और बच्चे को अपने गर्दन पर बैठा लिए हैं, और कैसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि हवा में कैसे सब कुछ काम कर रहे हैं, एकदम हवा से बात कर रहे हैं, और पूरी तरीके से
अपने शरीर पे बच्चे को भी वजन दिए हुए हैं, अपने शरीर को भी बैलेंसिंग किए हुए हैं, जबरदस्त तरीके से स्टंटबाजी करते हैं। क्या नाम से लोग जानते हैं आपको? हमारे नाम से जाना जाता है मीरगंज से, सतेंद्र शर्मा स्टंटमैन। अच्छा, सतेंद्र शर्मा स्टंटमैन, मीरगंज के निवासी हैं आप। जिला का आइकन। अच्छा, जिला का आइकन। पूरे जिले का बात किया जाए तो गोपालगंज, बिहार और अभी तो पूरे भारत में आप आइकन बन चुके हैं। जैसे कि अभी क्या करने वाले हैं? पांच उंगली पे मारेंगे, ये पैर उठा के अभी पुशअप करेंगे। देखिए ये उंगली और बैलेंस नहीं बना पाएंगे। हाँ, तो उंगली भी क्रिक हो जाएगा। अच्छा, कोई बचाने वाला इसमें नहीं आएगा। हाँ, जैसे उंगली है, जो पांच उंगली है, उंगली पर पावर रहना चाहिए। अच्छा, पूरा लूज रहेगा तो क्रैक दे मार देगा। हाँ, तो इसको भाई आप लोग देख करके कॉपी ना करें, और कॉपी करेंगे तो उसका जिम्मेदार आप होंगे। हम एक स्टंट मैन से ये काफ़ी इस पर ट्राई किए हुए हैं, तब दिखा रहे हैं। आप लोग इसको देख करके कॉपी मत कीजिएगा। देखिए गजब का बैलेंस बनाए हुए हैं भाई। देखिए कैसे पुशअप कर रहे हैं, एकदम शानदार। पूरा पैर ऊपर उठाए हुए हैं और नीचे पूरा ज़बरदस्त तरीके से पुशअप कर रहे हैं। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतना कुछ एक विकलांग आदमी होकर के, विकलांग होकर के, और इतना कुछ। अपने आप को आप विकलांग महसूस नहीं करते हैं? देखिए हम अपने आप से कभी विकलांग नहीं समझते हैं। हम अंदर जुनून रखते हैं कि हम आगे बढ़े, कुछ करें, करके लोगों को हम दिखाएं, हमको देख कर सीखे। विकलांग होकर इतना कर रहा है मेहनत, तो बढ़िया आदमी काहे ना मेहनत कर रहा है। सोचना चाहिए कि हम भी काहे ना मेहनत करें। विकलांग जब इतना मेहनत कर रहा है, बढ़िया आदमी काहे ना मेहनत कर रहा है। सर में से डूब के मर जाना चाहिए उन लोगों को, जो लोग पूरा हाथ पैर सही रहते हुए भी जा कर के स्टेशनों पे, बस स्टैंडों पे जा कर के भीख मांगते हैं। और एक विकलांग जो है पूरे भारत में अपने स्टंट मैन के नाम से पूरे भारत में प्रख्यात होता है, और पूरे भारत में अपना एक झंडा लहराने का काम करता है और दिखाता है दुनिया को कि लड़ो लड़ो, जब तक लड़ोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं। हाँ। तो ये पूरे अपने बिहार से लड़ते हैं और जीतते भी हैं, अपने बीमारी से भी जीतते हैं, और दुनिया को दिखाते हैं कि कैसे एक विकलांग भी ऐसा कुछ कर सकता है जिससे कि नाम हो सकता है दुनिया में। देखिए पुशअप भी चैलेंज हम करते हैं, बहुत जगह जीते हैं, सिवान, गोपालगंज। हाँ। जीते हैं हथुआ जिम, गोल्ड जिम, सब जगह जीते हैं। सब जिम में जाते हैं। हाँ। जो चैलेंज लगाता है हम जाते हैं। जिम लोग, जिम जो जिम करने वाले, जितना कोई मार ले हम ही को बेसी कभी मारेंगे। हमको हरा के ज्यादा मार, हम चैलेंज लगाते हैं, हमको देख कर आगे बढ़े, हमको हराए कि आगे बढ़े। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर भी इनसे हार मानते हैं और इनके आगे पानी फेरते नजर आते हैं। बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, क्या कहना चाहेंगे? देखिए आपका चैनल के सब लोग भाई लोग बोल रहे हैं हमारा सपोर्ट करें, आपकी भी सब में चैनल को सपोर्ट करें, हमारा भी आगे बढ़ाएं, यही बोलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।